नेक्स्ट न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते नजर आए। दरअसल ये वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि दरअसल 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नितिन गडकरी ने क्यों गाड़ी दौड़ाई, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले देखिए ये वीडियो। 160, 170, दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण का जायजा लेने निकले गडकरी मध्य प्रदेश के रतलाम के जावरा में थे। इस दौरान नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ा दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सड़क की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि यहाँ छोटे प्लेन भी लैंड करवाए जा सकते हैं। 1380 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। इसके जरिए दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। 95,000 करोड़ की लागत से बनाया गया यह एक्सप्रेसवे 12 लेन का होगा। दरअसल इसी एक्सप्रेसवे पर टेस्ट ड्राइव के लिए नितिन गडकरी निकले थे और उनकी गाड़ी 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छूती हुई नजर आई। इस एक्सप्रेसवे पर 12 लेन बनाई जाएंगी। ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से गुजरेगा। इसमें 380 किलोमीटर राजस्थान, 370 किलोमीटर महाराष्ट्र, 300 किलोमीटर गुजरात और 120 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ साथ 80 किलोमीटर हरियाणा से भी गुजरेगा। अब देखना होगा कि इस एक्सप्रेसवे पर किस रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी, क्योंकि नितिन गडकरी के टेस्ट ड्राइव में तो ये 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाने के स्थिति में दिख रहा है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।